स्टूडेंट्स और टीचर जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आपका स्वागत है इस चैनल दिनेश सर में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि बोर्ड का, एसएससी बोर्ड का जो फॉर्म है वो किस तरह से भरा जाए। सबसे पहले वेबसाइट पर लेकर चलता हूं मैं आपको। जो वेबसाइट है महाराष्ट्र बोर्ड की, mahaessessiboard.maharashtra.gov.in, इस वेबसाइट पर आपको जाना है। वेबसाइट पर जाने के बाद आपको एसएससी एचएससी टैब दिखता है। आप टेंथ का फॉर्म भरना चाहते हैं तो एसएससी में चले जाइए, वैसे ही एचएससी का फॉर्म भी आप भर सकते हैं। यहाँ पर इंस्टीट्यूट लॉगिन से आपको लॉगिन कर लेना है, आपके लॉगिन आईडी और पासवर्ड से। लॉगिन आईडी में याद रखिए सेकेंडरी स्कूल है, तो पहले एस आपको टाइप करना है, देन लास्ट में अंडरस्कोर वन होगा, इंडेक्स नंबर के बाद अंडरस्कोर वन डालना है, पासवर्ड डालना है, आप सबमिट करते हैं। आपका जो स्कूल का पोर्टल है ओपन हो जाता है बोर्ड की वेबसाइट पर। यहाँ कुछ जो सर्कुलर्स बोर्ड के हैं, प्रकटन है, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको फोटो कटर सॉफ्टवेयर की जरूरत है, इमेज कटर, तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऑफलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं तो वैम सर्वर से डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल हम फॉर्म भरेंगे, हमने इमेज कट कर लिया है, फोटो और सिग्नेचर यहाँ पर आपको पोर्टल में दिख रहा है। एप्लीकेशन फॉर रेगुलर कैंडिडेट्स विद सरल, फिलहाल जो डेट्स चालू है फॉर्म भरने की, स्कूल कॉलेज में जो रेगुलर स्टूडेंट पढ़ते हैं जिनका सरल में एंट्री हुआ है उनके लिए चालू है, इसलिए ये लिंक है। डेट्स फिनिश होने के बाद जब रिपीटर के लिए यहाँ पर नया टैब आएगा, फॉर रिपीटर स्टूडेंट या फॉर ऑल स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपको ये क्लिक कर लेना। यहाँ पर स्टूडेंट का सरल आईडी पूछ रहा है, सरल आईडी आप जानते हैं, यहाँ पर जो जिस जब स्कूल जब स्टूडेंट ने स्कूल में एडमिशन लिया होगा हमारे स्कूल में या हमारे पहले के स्कूल में, तो उसकी जब सरल में एंट्री होती है तो उसके लिए एक सरल आईडी जनरेट होती है जिसके अंदर पहले एडमिशन ईयर होता है, देन स्कूल का यूटिलाइज नंबर होता है स्टूडेंट आईडी में, देन उसके बाद उसका सीरियल नंबर जिस नंबर पे उसका एडमिशन हुआ था उस स्कूल पे, ये सरल आईडी आप डालते हैं। उसके बाद आप व्यू करेंगे तो उस स्टूडेंट की सारी डिटेल यहाँ पर सामने ओपन हो जाती है। अब इसमें सारी डिटेल ऑटोमेटिक ओपन हो चुकी है सरल डेटा बेस से, लेकिन कुछ चीज़ें जो है वो हमें यहाँ इनपुट करनी है। सबसे पहले हम एप्लीकेशन सीरियल नंबर यहाँ इनपुट करेंगे। यहाँ पर मैंने 13 फॉर्म भर लिए हैं, मैं 14 नंबर का फॉर्म भर रहा हूँ, तो ये 0014 मेरा एप्लीकेशन नंबर है, याद रखिए। यहाँ पर अगर आप पहला फॉर्म भरेंगे तो 0001 लेंगे, रेगुलर स्टूडेंट के लिए, रिपीटर के लिए 5001 से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर ग्रीन टिक अवेलेबल आ चुका है। इसके बाद अब सबसे पहले मुझे फ़ोटो लेना है, इमेज कटर से मैंने फ़ोटो जो है फ़ोटो और साइन कट किया था, तो यहाँ इमेज कटर जो सी के अंदर है, इसके अंदर फोल्डर के अंदर फ़ोटो और सिग्नेचर फोल्डर है, फ़ोटो इस फोल्डर में जाऊँगा। यहाँ पर सारे स्टूडेंट्स को जो हमने इमेज कटर वाली स्कैन की गई शीट थी उसमें मैंने ये स्टूडेंट्स 2_6P ये उसका फोटो है, नंबर से मैं पहचान रहा हूँ। सेम नंबर का सिग्नेचर मुझे इमेज कटर जो फोल्डर है उसमें सिग्नेचर फोल्डर में जाके लेना है, 26S, इस नंबर से उसकी पहचान होगी हमारे जो स्कैंड इमेजेस है उसमें से आप देख सकते हैं, साथ में रखें। सीरियल नंबर डालने के बाद हमने फोटो साइन डाला, इसके बाद हम उस स्टूडेंट का यहाँ पर मोबाइल नंबर एंटर करने वाले हैं। मोबाइल नंबर डेटाबेस में जा रहा है, इसके बाद क्या है इसका आधार नंबर वगैरह, बर्थ तो डेट आ गया है ऑटोमेटिक, प्लेस ऑफ बर्थ हमें यहाँ पर डालना है, तो प्लेस ऑफ बर्थ मैं इनपुट कर देता हूँ। तो प्लेस ऑफ बर्थ डालने के बाद मोस्टली यही जानकारी चाहिए आपको, क्या करना है कि आपको स्टूडेंट का स्टूडेंट आईडी, एप्लीकेशन सीरियल नंबर एंड बर्थ प्लेस, मोबाइल नंबर, ये सिर्फ आपको अलग से लिख के अगर लिस्ट बनाते हैं तो आपको बहुत ही आसान हो जाएगा ये फॉर्म भरना। इसके बाद ये सारी जो डिटेल है ऑटोमेटिक आ चुकी है, ये एक बार पहले बार में अगर फर्स्ट फॉर्म भरने तो वेरीफाई कर लें। उसके बाद ये जो यहाँ पर सब्जेक्ट कोड है, यहाँ पर आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेना है, फर्स्ट सब्जेक्ट, यहाँ पर अगर हिंदी मीडियम है तो हिंदी लेना है, इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश लेना है, सेकेंड यहाँ पर मराठी है, थर्ड लैंग्वेज मैं हिंदी मीडियम का फॉर्म भर रहा हूँ इंग्लिश है। अब मीडियम हिंदी है तो मैं यहाँ हिंदी सेलेक्ट कर रहा हूँ, मराठी मीडियम होगा तो आप मराठी सेलेक्ट कीजिए, इंग्लिश मीडियम के लिए इंग्लिश सेलेक्ट कीजिए, जो भी मीडियम है सारे सब्जेक्ट के लिए लैंग्वेज ऑफ आंसर कोड वो उसका मीडियम होगा, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में तो हिंदी मीडियम के पेपर में ट्रांसलेट करने के लिए आता है तो उसे हिंदी में ट्रांसलेट करना होगा, इसलिए वहाँ पर ये जरूरी होता है। तो यहाँ लैंग्वेज ऑफ आंसर कोड में आप मीडियम सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पर मैथ, साइंस और सोशल साइंस हर एक मीडियम के लिए सेम कोड है, सिर्फ फर्स्ट सेकंड थर्ड लैंग्वेज यहाँ पर अलग अलग मीडियम के लिए अलग होता है, वो यहाँ इनपुट कर दीजिए। यहाँ आपको कुछ नहीं भरना है, रिपीटर स्टूडेंट्स के लिए यहाँ भरना होता है। फिलहाल मैं रेगुलर स्टूडेंट्स के बारे में बता रहा हूँ तो देखते हैं। टोटल एग्जम्पशन आपको जीरो ही रखना है बिकॉज रेगुलर स्टूडेंट को कोई एग्जम्पशन नहीं है। अगर स्टूडेंट जो है क्लासिकल आर्ट, ड्राइंग या फोक आर्ट में है तो उसके लिए आप यस कर सकते हैं, तो नो करिए। अगर उसके पास सर्टिफिकेट हो जिसको कंसेशन मिलता है या मार्क्स मिलते हैं बोर्ड में एक्स्ट्रा, तो उसके लिए यस कर सकते हैं अगर हो तो। यहाँ पर रिपीटर स्टूडेंट्स और प्राइवेट स्टूडेंट के लिए होता है, ये नहीं भरना है। यहाँ पर जो स्टूडेंट ड्रॉट प्रोन एरिया थे, सूखाग्रस्त थे, अकालग्रस्त, उनके लिए फिर भी यहाँ पर आपको जो एड्रेस में डिस्ट्रिक्ट और तालुका सेलेक्ट करना है,
और यहाँ रेवेन्यू, क्योंकि इनको जो है पैसे मिलने वाले हैं, बोर्ड का जो एग्ज़ाम फॉर्म फीस है जो गवर्नमेंट देने वाली है, इसलिए उनका अकाउंट मांगा गया। आप यहाँ पर नॉट अप्लीकेबल कर दीजिए अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में अप्लीकेबल नहीं है, अगर अप्लीकेबल है तो आप यहाँ से लेकर के स्टूडेंट का अकाउंट, IFSC कोड और अकाउंट नंबर डालिए। प्रीव्यू करते हैं। प्रीव्यू होने के बाद स्टूडेंट की जो डिटेल आप एक बार यहाँ वेरीफाई कर दीजिए। वेरीफाई होने के बाद आप यहाँ पर फिर सेव कर सकते हैं। तो ये हो गया वो स्टूडेंट का फॉर्म सबमिट। तो इस तरह से जो बोर्ड का फॉर्म सबमिट करना है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, और ऐसे ही और जानकारी इस चैनल पर है। अब इसमें एक बात थी, इमेज कटर के जरिए जो बोर्ड का फॉर्म है उसके लिए जो स्टूडेंट्स के फ़ोटोज़ और सिग्नेचर आसानी से किस तरह से कट करके अलग किया जाए ताकि वो आसानी से अपलोड हो जाए, उसके लिए इमेज कटर को कैसे यूज़ करना है उसका मेरा अलग वीडियो है, उसको आप देख लीजिए और उसके अकॉर्डिंग ही आप करिए, तो ये जो फ़ोटो और सिग्नेचर भी बड़ी आसानी से आप कट करके अलग अलग फोल्डर में ले सकते हैं। सो मिलते हैं स्टूडेंट एंड टीचर नए वीडियो में। थैंक यू।